बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस। डियर व्यूअर्स, इस छोटी सी एनिमेशन के जरिए, इस छोटी सी वीडियो क्लिप के जरिए मैं आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, न्यूटन का जो लॉ है, बहुत ही फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपको एनिमेशन के जरिए बहुत ही आसान तरीके से जो है ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त मैंने फैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है और ये स्टूडेंट्स बहुत ही छोटी सी एनिमेशन है, लेकिन इसमें न्यूटन का जो बहुत ही फेमस लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो समझ आ सकेगी। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर रिलेशनशिप जो है उसको ड्राइव तो नहीं करूंगा, जस्ट न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशनशिप है, फॉर्मूला है, उसी को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। न्यूटन ने यहाँ पर दो चीजों के बारे में बताया था। न्यूटन ने कहा था कि कायनात के अंदर हमेशा दो चीजें जो है एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर दो बॉडी आप देख रहे हैं, मैस वन और मैस टू, चाहे किसी का मैस ज्यादा हो चाहे किसी का मैस कम हो, कायनात के अंदर हर दो बॉडी जो है, हर दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है। स्टूडेंट, न्यूटन ने सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह बताया था कि जो फोर्स है इन दोनों बॉडी के दरमियान में जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो है वो मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो फासला है, जिसे हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस के स्केल के फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इन शॉर्ट, फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बारी बारी बताता हूँ, अगर दोनों मैसेस के प्रोडक्ट का, इसका मतलब ये कि चाहे मैं मैस वन के बढ़ाऊँ या मैस टू को बढ़ाऊँ, इन दोनों में से किसी एक मैस को बढ़ाऊँ या दोनों को बढ़ाऊँ, यानी मैथ्स को बढ़ाने से जो है वो फोर्स इन दोनों के दरमियान में जो लग रही है वो ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं पहले जो है वो मैथ्स वन को बढ़ाता हूँ और आपने यहाँ पे गौर करना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी। यहाँ पर देखिए 469 न्यूटन है, 0.469 न्यूटन है फोर्स जो पहला वाला मैथ्स लगा रहा है, दूसरा वाला मैथ्स भी उतना ही लगा रहा है, क्योंकि इन दोनों के सेंटर की ये फोर्स है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने गौर करना है कि मैं मैथ्स वन जो है पहले वाला मैथ्स ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आपने गौर करना है कि जो फोर्स लग रही है इन दोनों के दरमियान में, ये ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मैथ्स के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर देखिएगा फोर्स पहले मैथ्स पहले जो है मैथ्स वन की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैथ्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स जो है वो ज्यादा हो रही है, 699 हो गया, 0.something। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड वाले मैथ्स को बढ़ाता हूँ तो भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों मैथ्स में से किसी एक की वैल्यू को बढ़ाऊं या दोनों की वैल्यू को बढ़ाऊं तो फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स बेसिकली इन दोनों मैथ्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको मैंने ये बता दिया कि जो फोर्स है इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फोर्स है वो डिस्टेंस के, इन दोनों के जो सेंटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्केयर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिखा दूँ डिस्टेंस, इस वक्त देखें इस करंट सिचुएशन के अंदर तकरीबन जो है ये कोई 4.5 सेंटीमीटर या मीटर में जो है ये वैल्यू आपको गिवन है, 4.5 मीटर में। तो जैसे जैसे मैं इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स वीक हो जाएगी। देखिए इस वक्त फोर्स जो है वो है 8075 न्यूटन है, मैं डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए डिस्टेंस को बढ़ाने से एक्चुअली में क्या हो रहा है, फोर्स वीक होती जा रही है, फोर्स कम होती जा रही है। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, फोर्स जो वीक होती जा रही है। इन द सेम वे यहाँ पर आप देखिए, मैं जैसे जैसे डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ तो फोर्स की वैल्यू जो है दोबारा से जो है वो ज्यादा होती जा रही है। सिमिलरली मैं इस वाले मैथ को भी चेंज कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, छोटे से एनिमेशन है जिसमें आपको मैंने बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्केल के।
अब यहाँ पर जो है किस तरह से आपको फोर्स की वैल्यू बताई गई है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम खत्म करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, और जब इक्वल लगाते हैं तो हम वहाँ पर जो है लाजमी कॉन्स्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो न्यूटन ने कॉन्स्टेंट लिया था वो कैपिटल जी थी, जो कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, इसे हम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो जब अभी वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप बड़ी इजीली जो है वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि किस फोर्स की वैल्यू ये हो रही है, जब डिस्टेंस इन फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर था तो इनकी सेंट्रिंग फोर्स ये लग रही है, अगर डिस्टेंस की वैल्यू कम लेट से 7 मीटर करते हैं तो फोर्स की वैल्यू ये है। अब ये स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑटोमेटिकली तो आपको शो कर रही है, लेकिन अगर आप खुद इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहें तो आप जो है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स छोटे से एनिमेशन से जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।